हेलो फ्रेंड्स, इंडिया सर्च करें के आज के टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगी कि शहद से रंग साफ़ कैसे करें। इसके मैं बहुत सारे तरीके आपको बताऊंगी, जिसे आप पूरे ध्यान से सुनिएगा। और रंग साफ़ करने के लिए इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ जो 100% वर्किंग है। साथ ही इन टिप्स एंड ट्रिक्स का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यदि आपकी स्किन पर कोई साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस लग रहे हैं तो पहले जो भी विधि बताई गई है उसे अपने हाथ पर थोड़ा सा टेस्ट करके देख लें। वैसे इनका कोई नुकसान नहीं है, टेस्टेड है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हनी हमारे किस किस काम आता है और इसके हम फेस पर क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जो विधि बता रही हूँ उसमें आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच नींबू का रस और 3 चम्मच चावल का आटा। तीनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स करके एक फ़ाइन पेस्ट बना लें और अपने फेस पर 5 मिनट्स तक मसाज करते हुए अप्लाई करें। उसके बाद इसे लगा रहने दें और अच्छे से सूखने दें। अच्छे से जब ये सूख जाए उसके बाद आप इसे एक कॉटन बॉल से, गीले कॉटन बॉल से थोड़ा हल्के हाथों से क्लीन कर दें और किसी भी साफ पानी से, अगर पानी गुनगुना हो तो और भी अच्छा है, वॉश कर दें। तो आपका चेहरा जो है किसी भी अच्छे फेशियल को लगाने के बाद जैसा हो जाता है, करने के बाद जैसा हो जाता है, उससे भी अच्छा खूबसूरत हो जाएगा। अभी दीपावली पे देखिए बहुत सारे तरीके आप आजमाएंगे फेशियल के, लेकिन घर पर जो फेशियल आप करते हैं वो 100% ऑथेंटिक होता है, शुद्ध होता है। नेचुरल चीज़ों से आप अपना फेशियल कर सकते हैं और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। दूसरा तरीका मैं घर पर आपको फेशियल करने का शहद से बता रही हूँ। शहद से ही मैं आपको भी जो तरीके सब बता रही हूँ बहुत अच्छे हैं। ये आप सारे तरीके घर पर यूज कर सकते हैं और आसानी से आपको सब सामान मिल जाएगा। दूसरे तरीके में हमें लेनी है शहद के 3 चम्मच, कच्चा दूध 2 चम्मच और नींबू का रस 1 चम्मच। तीनों चीज़ों को मिला कर के फाइन पेस्ट बना लीजिए और फेस पर अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद एक बार इसे वॉश कर दें। आप जैसे 5 मिनट इसे लगाएंगे तो 5 मिनट बाद इसे वॉश कर देंगे हल्के हाथों से मसाज करते हुए। अगेन 5 मिनट्स तक इसे और लगाएंगे, इसी जो हमने बनाया है घोल। तो फिर उसके बाद हम इसे 5 से 6 मिनट रख करके वॉश कर देंगे। हमारा चेहरा बहुत ही सुंदर और खिला खिला हो जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई तरीका बताए तो आप मुझे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप इसे कैसे यूज़ करते हैं हनी को, तो हम उस पर भी ध्यान देंगे और अपने नए वीडियो में वो तरीका हम ऐड करेंगे। तीसरा जो हमारा हनी का तरीका है उसमें हम लेते हैं हनी लेते हैं, आप 2-3 चम्मच ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर, जितना भी आपको फेस पे या हैंड्स पे भी करना है तो ज़्यादा ले सकते हैं। 2 चम्मच हनी में हम 2 चम्मच मसूर की दाल का आटा, जिसे हम मिक्सी में पीस करके बिल्कुल बारीक कर लेंगे, ये मिक्स करेंगे। साथ ही हम एक बाउल में अलग से मिल्क में केसर घोल करके रखेंगे और दोनों चीज़ों को मिक्स करके एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। यानी हमें इसमें क्या क्या लेना है, हनी, मसूर का आटा और शहद जो हो गया हमारा, और मिल्क में हमें 5-6 धागे केसर के मिक्स करके घोल करके रख लेना है 4-5 चम्मच मिल्क में। उसे हम चारों चीज़ों को मिक्स करके अपने फेस पर लगा लेंगे और अप्लाई, जैसे फेस मास्क लगाते हैं, हम अप्लाई करके इसे रहने देंगे और सूखने देंगे 10-15 मिनट तक। जब ये बिल्कुल सूख जाएगा, जब ये सूखेगा तो हमें बिल्कुल भी बोलना नहीं है, अदरवाइज़ फेस पे झुर्रियाँ आ जाएंगी। उसके बाद हमें इसे कॉटन से, कॉटन गीला होना चाहिए, हल्के हाथों से वाइप ऑफ कर देना है और फिर पानी से धो करके सुखाना है। टॉवल से ना सुखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये जो तरीके हैं मैंने आपको फेस पे लगाने के लिए बताए हैं। इसके अलावा आप हनी का इंटेक कर लीजिए। 2-3 तरीके टिप्स मैं आपको दे रही हूँ जिससे आप हनी को इंटेक करेंगे तो डेफिनेटली
100% चेहरे पे निखार आ जाएगा, जिसमें आपको कुछ भी स्किन पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें मैं पहला तरीका आपको बता रही हूँ, सुबह सुबह खाली पेट एक गिलास हमें गर्म पानी लेकर के उसमें कुछ नींबू डालना है पानी में और वो पी लेना है, खाली पेट पीना है ये। और ये तरीका आप करेंगे तो निश्चित रूप से, शहद और नींबू मिलाकर आप पीते हैं तो निश्चित रूप से हमारा चेहरा जो है दमकने लग जाएगा कुछ ही दिनों के इस प्रयोग से। दूसरा इसमें तरीका जो है वो ये है कि आपको 2 चम्मच इसबगोल लेना है, गुनगुने पानी में मिक्स करना है वो, और उसमें 2 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच हनी, तीनों चीज़ों को 2-2 चम्मच तीनों चीज़ लेकर के गरम गुनगुने पानी में, 1 गिलास पानी में मिक्स करके हमें इनटेक करना है सुबह सुबह। ये भी हमें खाली पेट इनटेक करना है तो बहुत ही इसका अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। इसका रिज़ल्ट आपको 1 मंथ में बिल्कुल क्लियर दिखने लग जाता है। इसके अलावा हनी को आप और भी तरीके से यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। हनी का एक लगाने का तरीका मैं आपको और बता देती हूँ। हनी लेना है हमें 2 चम्मच और 3 चम्मच हमें लेना है संतरे का जूस। संतरे का जूस और हनी को मिक्स करके आप अपने फेस पर अप्लाई कर दीजिए, 5 मिनट्स तक इसे लगा रहने दीजिए, फिर आप इसे वॉश करिए, अगेन इसी को ही फिर से लगाइए और 10 मिनट सुखा करके वॉश कर दीजिए। आपका चेहरा जो है किसी भी अच्छे फेशियल को करने के बाद जैसा हो जाता है इसे वैसा ही आपको फील होगा, और 100% ये आप 2 दिन में एक बार इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। बच्चों पर भी ये तरीका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन पहले टेस्ट कर लें कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन तो नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, बहुत अच्छे वीडियोस मैं दिखाती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।